हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिया ना साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। अज असीं तुहाडे नाल जानकारी शेयर करनी जिहड़ी वार्ड अटेंडेंट भर्ती आई है 2020 दे विच 800 पोस्टां इहदियां आउट होईयां ने अते इहदे लई क्वालिफिकेशन है 8वीं अते 12वीं। सो हर एक नूं इह पोस्टां अप्लाई करनी चाहीदी ने क्योंकि मिलदा जुलदा जिहड़ा सिलेबस हुंदा है, चाहे तुसीं मास्टर कैडर पेपर तैयारी कर रहे हो तां इहदे विच वी है जिहड़ी जियोग्राफी इंडियन पॉलिटी हिस्टरी सारे है जो सिलेबस विच टॉपिक ने, इहनां विच्चों है जो नाल ही तुहाडी मास्टर कैडर की तैयारी होएगी अते नाल ही तुसीं इह पेपर दे सकोगे। सो कोई भी वैकेंसी आउंदी है तुसीं है जो मिस नहीं करनी, जरूर अप्लाई करो। तो अज इसे सिलेबस बारे असीं गल करांगे कि इहदा पेपर है जिहड़ा किहड़े किहड़े सिलेबस विच होएगा, की की तुसीं पढ़ना होएगा, तो पूरी जानकारी असीं तुहानूं विस्तार सहित देवांगे। सो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ तां जो तुहानूं इसे तरह अपडेट इनफॉर्मेशन है जिहड़ी मिलती रहे। तो इहदा पहला पॉइंट है जिहड़ा रीजनिंग। रीजनिंग दे विच की कुछ आएगा, जिवें वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है जी, डाटा दे नाल संबंधित पजल, एनालिटिकल रीजनिंग, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिस जीके मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, जर्नल नॉलेज, स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड प्रश्न, इनवायरमेंट, बेसिक कंप्यूटर, पंजाब हिस्टरी, पंजाब पॉलिटिक्स कल्चर, पंजाब इकनोमिकी, पंजाब विधानसभा, फेमस डेज अते डेटस, बुक अते ऑथर्स। तो यह रीजनिंग दे विच पहला चैप्टर दे विच तुहानू है जो ये सिलेबस चो आएगा। अगे जनरल साइंस चो आएगा, स्क्रीन ते तुसीं देख सकते हो, जियोग्राफी भी दित्ती हुई है, जियोलॉजी भी दित्ती हैगी, फिजिक्स दित्ती है, कैमिस्ट्री दित्ती है। तो इन्हां दे विचों है जो तुहानू एग्जाम विचों प्रश्न पूछे जाणगे। जनरल मैथ 8वीं अते 12वीं लेवल का पूछा जाएगा, जिहदे विच एरिया, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर, रेशो, टाइम वर्क, नुमेरिकल एबिलिटी, जो तुसी आम पेपर की तैयारी करते हो बिल्कुल उही टॉपिक ने। हर एक वैकेंसी दे विच हर एक जो भी पेपर हुंदा सिलेबस हुंदा सेम हुंदा, कोई ज़्यादा इहदे विच फर्क नहीं हुंदा। बस ये हुंदा 8वीं 12वीं लेवल का आएगा, तो होर जिहड़े एग्जाम हुंदे आ वो थोड़े हाई लेवल दे हुंदे आ। LCM HCF दिता हुआ इन्होंने, तो यह जनरल मैथ है इन्हों का, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, ओड मैन आउट दिता हुआ इन्होंने, नंबर एजिस परसेंटेज जो तुम अच्छी पहले दस दिता, तो यह मैथ के आएगा। इस तो बाद इन्होंने दिता हुआ जनरल इंग्लिश, जिदे एंटोनिमस, नोनीमस, प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंपलीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, स्पैलिंग टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, बाकी तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। जो भी असी हुण तक पढ़िया होएगा बिल्कुल उही सिलेबस है 8वीं तो 12वीं तक का। जनरल पंजाबी दे विच की पूछा जाएगा, व्याकरण, नाव, पड़नाम, समान अर्थक शब्द, किरिया, विशेषण, विरोधी शब्द, अगेतर, पछेत्र, तो यह जनरल पंजाबी दे विच पूछा जाएगा, बिल्कुल ईजी टॉपिक ने। आल निशान चिन्ह, कारक बोली, लिपि, सेंटेंस रूल्स, ETC, तो यह सारा कुछ है जो ये पूछा जाएगा। कोई ज़्यादा सिलेबस देखा जाए तो कोई टफ नहीं है, चीज़ा असी पढ़िया हुई ने, एक बार रीड करने की जरूरत होएगी। सो असी पोस्ट भी अपलोड की है कि असी तो वीडियो प्रोवाइड करिए या नहीं। वार्ड अटेंडेंट की पहली भर्ती है, मास्टर कैडर का हजे कोई पता नहीं है कदों होएगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई अखबार के न्यूज़ आई है। सो साढ़े हिसाब नाल तां तुहानूं ये वैकेंसी अप्लाई करनी चाहिए है, तैयारी करनी चाहिए है, क्योंकि ये भी मास्टर कैडर का ज़्यादातर सिलेबस हैगा है। हिस्टरी है, इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी है, GK है, कल्चर है, व्याकरण है, तो सारे सब्जैक्ट है, मैथ है, साइंस है, तो यही सब्जैक्ट कॉम्बीनेशन थोड़े है जो मास्टर कैडर के बनते हैं। सो असी साडी कोशिश है तुहाडा रिस्पोंस देखांगे, अगर रिस्पोंस वधिया होया तो असी जरूर है जो इन्हां दे टॉपिकां ते वीडियो तुहानू जल्दी प्रोवाइड करांगे। सो ये सारा सिलेबस है, आम तुसी सिलेबस पढ़िया होया, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सारा कुछ इहदे विच जिहड़ा ये दिता होया। पंजाब हिस्टरी तुहानू मास्टर कैडर लई पढ़नी पवेगी, एनवायरमेंट भी तुसी पढ़ते हो, जनरल नॉलेज भी तुसी पढ़ते हो,
इंडियन पॉलिटिक्स भी तुसी पढ़ते हो, कल्चर है पंजाबी आ जाता है, पंजाब इकनोमी आ जाती है, विधानसभा आ जाता है, महत्वपूर्ण दिन उन्हां दी तारीखा आ जाती ने, बुकां दे नाम अते उन्हां दे ऑथर आ जाते हैं। तो यह पंजाबी जो थोड़ा सब्जेक्ट है वो बनता सिलेबस सारा, तो ये नाल तुहाडा मास्टर केटर का सिलेबस भी कवर होएगा। तो हो सकता तुहानू इस पेपर दे विचों ज़्यादातर क्वेश्चन है जो मास्टर गेट के आ जाए, इस करके थोड़ी जो वधिया तैयारी होएगी। बाकी जिन्हों का मैथ हैगा उन्हों की रीजनिंग के चैप्टर पे ने, अगर तुम इस एग्जाम की तैयारी करोगे, मैथ करोगे, रीजन करोगे, तो मैथ साइंस कॉम्बीनेशन है जी, मास्टर केडर का स्क्रीन टैसट होएगा, वो भी हैल्प मिलेगी, तो जो एक बेस बन जाएगा। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिता, पहली बार एग्जाम देने, उन्होंने जो डर डर खुल जाएगा। अक्सर डर हों जो पहली बार एग्जाम देंगे ने भी किस तरह फिल करना हों, किस तरह फार्म अटैप्ट करना हों, सो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो ये पोस्टा जरूर अपलाई करो, 800 पोस्टा ने पंजाब दे विच। सो तुहाडे रिस्पोंस ते जल्दी असीं वीडियो स्टार्ट करांगे। धन्यवाद जी।